एमसीडी इलेक्शन 2022 में अब आम आदमी पार्टी ने झाड़ू चलाने का मन बना लिया है। पिछले 15 साल से सत्ता में कभी भारतीय जनता पार्टी को इस बार आम आदमी पार्टी सबक सिखाना चाहती है और इस बार नगर निगम चुनाव में केजरीवाल सरकार लाना चाहती है ताकि नगर निगम में भी दिल्ली सरकार की तर्ज पर काम किए जा सके। पिछले 15 साल से आम आदमी पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम को बदहाल बना दिया है जिसके कारण से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी के बाद से आम आदमी पार्टी के 250 वार्ड में सभी प्रत्याशियों ने लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना डोर टू डोर प्रचार कर इस बार एमसीडी में नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार को चुनने के लिए लोगों को अपील करना शुरू कर दिया है। घर घर जाकर डोर टू डोर प्रचार करके आम आदमी पार्टी की नीतियों को अवगत कराना और लोगों के बीच जाकर आम आदमी पार्टी को और मजबूती देने का काम करने के लिए सभी 250 वार्डों के प्रत्याशियों ने काम करना शुरू कर दिया है। छावला वार्ड नंबर 125 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जगदीश उर्फ जेता नंबरदार भी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। आज उन्होंने पंडवाड़ा कला, हंसनगर कॉलोनी, खरखड़ी जटमल जैसी कॉलोनियों में जाकर गाँव में जाकर लोगों को इस बार आम आदमी पार्टी के प्रति वोट डालने की अपील की और छावला वार्ड में भी झाड़ू चलाने के लिए लोगों से समर्थन मांगा, लोगों के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। वहां पहुंचने पर सभी ने फूल मालाओं से जगदीश और जीता नंबरदार का स्वागत किया। आपको बता दें कि भारी मात्रा में समर्थकों के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीता नंबरदार के समर्थकों ने गली गली में घूमकर इस बार अरविंद केजरीवाल की सरकार के नारे लगाए और एमसीडी में भी केजरीवाल जैसे नारों से पूरी कॉलोनी को गुंजायमान कर दिया। उनका कहना है कि यदि इस बार एमसीडी में केजरीवाल की सरकार बनती है यानी आपकी अपनी आम आदमी पार्टी सरकार, तो सभी के विकास कार्य होंगे।